ये जो आपकी बुक है टेक्निक्यूज ऑफ सोशल रिसर्च स्किल एनहांसमेंट 1, इसमें जो है हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि हम सामग्री का जो है संकेतन किस तरह से करते हैं, किस तरह से जो है वो कोडिंग करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने सामग्री एकत्रित की है, डाटा एकत्रित किया है, उसका हम सारणीकरण किस तरह से करते हैं, किस तरह से जो है उस जो हमने डाटा कलेक्ट किया है या जो सामग्री जो है एकत्रित की है उसको जो है हम सारणी के तहत जो है वो किस तरह से जो है वो प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सारणीयन या टेबुलेशन सामाजिक शोध में सामग्री या आंकड़ों व तथ्यों का क्यों जो है वो सारणीयन का जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सारणीयन में जो है वो सारणी की रचना की जाती है। सारणियों की रचना से तो है वो तात्पर्य जो है वो ये है कि जो तथ्य जो है वो बिखरे होते हैं, अपकृष्ट रूप से होते हैं, उन्हें जो है वो वर्गों में या श्रेणियों के अनुसार जो है परिष्कृत रूप में इस प्रकार जो है जमा कर प्रस्तुत किया जाता है कि उनसे जो है वो कोई सही निष्कर्ष और विश्लेषण जो है वो प्रस्तुत किया जा सके। शोधकर्ता द्वारा जो एकत्रित किए गए आंकड़ों को जो है वो व्यवस्थित बोध गया स्पष्ट और सुगम बनाना जो है अनिवार्य होता है। ये कार्य जो है वो मूलतः सारणी द्वारा ही जो है वो संभव होता है। अत्यंत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सारणी का आशय जो है वो प्राप्त आंकड़ों को जो है अनेक स्तंभों या पंक्तियों में जो है वो व्यवस्थित करके क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो इसमें जो किसी समस्या से संबंधित जो है हमने जानकारी एकत्रित की है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, सामग्री एकत्रित की है, उनको जो है हम सारणी के माध्यमों से जो है अनेक स्तंभों में या पंक्तियों में जो है वो व्यवस्थित करके जो है क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम सारणी जो है वो कहते हैं। तो सारणी को जो है तालिका बनाने की प्रक्रिया भी हम कहते हैं। तो अब इसकी क्या परिभाषाएं जो है वो विद्वानों ने दी है वो हम डिस्कस करेंगे कि जोधा और अन्य के द्वारा जो है सारणीयन जो है वो आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण की प्रविध प्रक्रिया का एक अंग है। इसके अंतर्गत जो है वो आवश्यक क्रिया उन उत्तरदाताओं की संख्या को जो है वो निर्धारित करने के लिए गणना करने के लिए की जाती है जो कि विभिन्न श्रेणियों में जो है वो पाई जाती है। फिर डी एन हेलेंस के मत में जो है वो विस्तृत अर्थ में जो है सारणीयन जो है वो आंकड़ों को जो है कुछ स्तंभों में या पंक्तियों में जो है वो प्रस्तुत करने की जो है व्यवस्थित क्रमबद्धता रहती है। यहाँ एक और आंकड़ों के संकलन और दूसरी और जो है आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण के बीच की एक प्रक्रिया है। फिर सी एम मोजर के शब्दों में जो है मौलिक रूप से जो सारणीयन है वो विभिन्न कार्यों में जो है वो प्रत्येक के अंतर्गत जो है वो पाए जाने वाले उत्तरदायित्वों की संख्या की गणना से अधिक और कुछ भी नहीं है। फिर एल आर कॉर्नर का कथन है कि सारणीयन जो है वो किसी विचारणीय समस्या को स्पष्ट करने के लिए जो है उद्देश्य से जो है वो संख्यात्मक तथ्यों को जो है वो क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत करने की एक विधि है। फिर उपयुक्त विवेचना एवं परिभाषाओं से जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि सारणीयन जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो है समान अथवा तुलना योग्य सांख्यिकी इकाइयों को जो है उचित स्थान पर रखा जाता है। सारणीयन जो है वो गुणात्मक तथ्यों को जो है सरल और संक्षिप्त रूप से जो है वो प्रस्तुत करने का एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसके अंतर्गत जो है सांख्यिकी तथ्यों को जो है स्तंभों तथा पंक्तियों में जो है वो रखा जाता है। अब सारणीयन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या एम्स है इसके, तो एक तो विस्तृत व्यवस्थित सांख्यिकी आंकड़ों को जो है सुव्यवस्थित और संक्षिप्त रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा जो एकत्रित जटिल तथ्य है उसको सरलतापूर्वक जो है समझने के योग्य बनाया जाता है। तीसरा जो है वो सामग्री की विविध विशेषताओं को जो है इसमें स्पष्ट किया जाता है। कम से कम स्थान तथा संक्षिप्त रूप में जो है वो विस्तृत सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित करना इसमें आता है। फिर समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं उनको ऐसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना ताकि उनके जो है आसानी से पारस्परिक तुलना की जा सके। सारणीयन का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो तथ्यों को छोटे रूप में
प्रदर्शित करना, जिससे विस्तृत सूचना जो है वो एक ही दृष्टि से जो है वो मिल सके। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि एक जो श्रेष्ठ अथवा जो उत्तम सारणी होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है कि सारणी का आकार जो है ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, वो इसकी विशेषता होती है। सारणी का निर्माण जो है इस रूप से किया जाए कि प्रस्तुत आंकड़ों को जो है परस्पर जो है वो आसानी से जो है वो समझा जा सके तथा किसी तथ्य को जो है वो देखने से ही जो है वो उसका पता लग सके। फिर सारणी जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अलग अलग प्रकार के लक्षणों से संबंधित आंकड़ों के लिए जो है वो मोटी या दोहरी रेखाएं खींच कर जो है ना वृत्त जो है वो करना चाहिए। सारणी जो है वो युक्ति संगत तथा वैज्ञानिक आधार पर निर्मित होनी चाहिए। फिर सारणी द्वारा जो है वो अध्ययन अथवा आंकड़ों के प्रदर्शन का उद्देश्य रूप से जो है वो प्रकट होना चाहिए। एक उत्तम सारणी ऐसी होनी चाहिए कि वह अपनी और जो है वो पूरी तरह से जो है वो आकर्षित कर ले। सारणी में जो है वो सूचना इस प्रकार लिखी होनी चाहिए कि उसका तुलनात्मक जो है अध्ययन किया जा सके। अब सारणी जो है वो कैसे तैयार करनी चाहिए, उसका निर्माण कार्य जो है वो क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सारणी तैयार करना जो है एक सामान्य कार्य ना होकर एक विशेष कला है, जिसके लिए जो है अनुभव, प्रशिक्षण, कुशलता तथा विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। सारणी का निर्माण जो है वो समकों की प्रकृति तथा आकार, वर्गों की संख्या, तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, स्थान और सारणियन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। सारणी का निर्माण करते समय जो है निम्नलिखित बातों और बिंदुओं को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। एक तो इसमें जो है सारणी का जो है वो शीर्षक एवं संख्या जो है वो ध्यान में रखी जाती है। प्रत्येक सारणी का जो है एक शीर्षक होता है, कभी कभी शीर्षक के साथ जो है संख्या भी जो है वो दी रहती है। इससे जो है किसी विशेष सारणी का विवरण में सुविधा होती है। शीर्षक जो है वो संक्षिप्त, स्पष्ट और सारणी के उद्देश्यों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। इसमें निम्न चार प्रकार की सूचनाएं होनी चाहिए। एक तो सारणी का विषय, दूसरा समय, तीसरा वर्गीकरण का आधार, फिर शीर्षक एक या डेढ़ पंक्ति में होना चाहिए, फिर अनुशीर्षक तथा अनुलेख की सारणी खड़े तथा पड़े खानों में विभक्त होती है। खड़े यानी लंबत खानों को जो है स्तंभ और क्षैतिज खानों को जो है वो कतारें कहते हैं। दोनों प्रकार के खानों पर जो है उपशीर्षक दिया जाना चाहिए। खड़े या तीन पग खानों के स्तंभों के शीर्षकों को जो है वो अनुशीर्षक तथा आड़े या क्षैतिज खानों के शीर्षक को जो है वो अनुलेख कहा जाता है। ये उपशीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। अतः प्रत्येक स्तंभ पर जो है वो लिखा हुआ अनुशीर्षक तथा प्रत्येक पंक्ति बार द्वारा लिखा गया जो है अनुलेख इसमें स्पष्ट होना चाहिए। फिर तीसरा जो है इसमें स्तंभ है, कॉलम है, स्तंभों की संख्या जो है तथा आकार का निर्धारण जो है वो कागज़ के आकार के अनुसार करना चाहिए तथा संभव बड़े स्तंभों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। स्तंभों का आकार जो है वो परस्पर समानुपाती होना चाहिए। सारणी में जो है योग के स्तंभ का होना अनिवार्य है। फिर इसमें कुछ पंक्तियाँ होती है जो कि 37 खानों को जो है वो पंक्ति लंबद और खानों को जो है वो स्तंभ कहा जाता है। पंक्तियों में सूचनाओं का विभाजन जो है किसी भी आधार पर किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, संख्यात्मक, तुलनात्मक, मतलब के आधार पर। फिर इनमें स्तंभों का क्रम होता है। पहला स्तंभ जो है वो विवरणात्मक होना चाहिए। सभी अधिक मतलब की सूचनाएँ जो है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आँखें जो है वो बाईं ओर से जो है वो दाहिनी ओर की ओर पड़ती है। जिन आंकड़ों की तुलना करनी हो उन्हें आस पास पास रखना चाहिए। जिन आंकड़ों के प्रतिशत, मध्य और अनुपात निकालना है उन आंकड़ों के पास अलग अलग स्तंभ में रखना चाहिए। फिर जो है वो टिप्पणी और संकेत अक्षर है, नोट्स एंड सिंबल है कि सारणी में जो है वो कभी कभी प्रस्तुत आंकड़ों के विषय में जो है वो विशेष स्पष्टीकरण देने के लिए जो है शब्दों की व्याख्या करने के लिए अथवा कोई विशेष संदर्भ के लिए, जैसे दो पक्ष पर विभिन्न आंकड़े पर जो है वो प्लस या मल्टीप्लाई आदि कोई अन्य चिन्ह लगाकर जो है सारणी में जो है नीचे जो है वो टिपिबद्ध कर देना चाहिए। कभी कभी जो है कोई आवश्यक तथ्य संकेत के रूप में दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब संकेत अक्षर देना आवश्यक हो तो टिप्पणियाँ अथवा पदचिन्ह में जो है उन्हें स्पष्ट जो है वो किया जाना चाहिए। ये टिप्पणियाँ तथ्यों और निष्कर्षों को समझने में जो है वो महत्वपूर्ण होती है। फिर इसमें पद व्यवस्था है,
आइटम अरेंजमेंट है कि सारे निर्माण के समय जो है खानों और पंक्तियों को इस ढंग से क्रमबद्ध करके जो है उसमें अंकों को लिखा जाना चाहिए, तुलना योग्य अंक जो है वो निकटवर्ती खानों में रखे जाएं। इस प्रकार जो है दो पदों की व्यवस्था के अनुरूप जो है कार मतलब समय और भौगोलिक आधार आदि पर जो है वो की जाए। फिर सामग्री संग्रह के स्रोत है कि सारणियों में प्रदर्शित सूचनाएं कहाँ से संकलित की जाए, इसका उल्लेखन भी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक सारणी के अंत में जो है वो सूचनाओं के स्रोत देने चाहिए। फिर योग है कि सारणी के अंत में योग कुल योग दिखा जाना चाहिए, जिनसे जो है अंकों की जांच जो है वो भलीभांति की जाए। निष्कर्षता जो है ये कहा जा सकता है कि सारणी निर्माण में जो है उपयुक्त बातों के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है अलग अलग पदों पर विभाजित किया जाए। पदों में जो है वो क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है, महत्वपूर्ण पदों को जो है रेखांकित भी किया जाता है। इस प्रकार जो है सारणी का निर्माण करना एक तकनीकी कार्य है जिसे एक प्रशिक्षित महानुभवी व्यक्ति ही निर्मित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप जो है सारणी के मुख्य अंगों को जो है निम्नलिखित रेखांकित चित्र में जो है स्पष्ट किया जाता है, जिसमें पंक्ति शीर्षक ऊपर आता है, दूसरे खाने में उपशीर्षक है, तीसरे में उपशीर्षक है, फिर योग है, फिर नीचे वाली लाइन में अनुशीर्षक है, फिर साइड में पंक्तियां हैं, नीचे योग है, कुल योग है, और नीचे जो है टेबल के नीचे टिप्पणी और स्रोत जो है वो दिया जाता है। अब सारणियों के क्या प्रकार होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सारणियाँ हमारी कितने प्रकार की होती है, टेबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक गुणिया सारणी यन होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की सारणी में केवल एक ही गुण या विशेषता को जो है वो दर्शाया जाता है। इसमें प्राय एक दिशाई अथवा एक गुण वाली सारणी अथवा प्रथम क्रम की सारणियाँ रहती है। दूसरा जो है द्विगुणीय अथवा द्विपक्षीय सारणी है, ये वे सारणी होते हैं जिसमें किसी घटना या तथ्य से संबंधित जो है दो लक्षणों के विषय में जो है एकत्रित सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाना है। ऐसी सारणियों में जो है तथ्यों का वर्गीकरण किन्हीं दो चरों गुणों और लक्षणों पर आधारित होता है, और दूसरे को अंकित चरण कहा जाता है। स्वतंत्र चर वह होता है जो दूसरे चरों में परिवर्तित होने पर जो है स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, वर्ण परिवर्तन से जो है वो प्रभावित रहता है। फिर त्रिगुणीय सारणी है, इस प्रकार की सारणी में जो है किसी घटना अथवा तथ्य की जो है वो तीन परस्पर संबंधित विशेषताओं के विषय में जो है वो प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। त्रिगुणीय सारणियों का निर्माण जो है तब होता है जब शोधकर्ता जो है जटिल संबंधों और परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहते हैं तथा शोध समस्या को जो है अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। इनमें जो है वो तीन चरणों का संबंध देखा जाता है। फिर बहुगुणीय सारणियाँ होती हैं, किसी घटना अथवा तथ्य के बारे में तीन से अधिक प्रकार के परस्पर संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए जो है बहुगुणीय सारणी का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीन से अधिक चरों को जो है वो दर्शाया जाता है तथा उनके संबंधों को जो है वो देखा जाता है। इन्हें जो है वो जटिल सारणी भी कहा जाता है। फिर सामान्य सारणियाँ हैं, इस प्रकार के सारणियों में जो है वो विविध प्रकार की सूचनाओं को जो है वो दर्शाया जाता है, जिसमें एक साथ जो है आवश्यक सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार की सारणी को जो है वो मूलतः सारणी, संदर्भ सारणी और प्राथमिक सारणी भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जनगणना रिपोर्ट में दी जाने वाली सारणियाँ जो है इस प्रकार से दी जाती है। फिर विशिष्ट सारणियाँ होती है, इस प्रकार की सारणी के अंतर्गत जो है किसी एक विशेष समस्या या विषय से संबंधित जो है वो तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक ही विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो है वो सूचनाएं दर्शित साई जाती है। इन सारणियों की विषय सारणी जो है सारांश सारणी और विश्लेषण सारणी भी कहते हैं। ये सारणियाँ जो है वो सामान्यतः जो है वो सारणियों के आधार पर तथ्यों को जो है विषय अनुसार वर्गीकृत करके बनाई जाती है। फिर जो है सारणी का एक प्रकार जो है वो आवृत्ति और संचय आवृत्ति सारणी है। सारणी के इसमें जो है दो विभाग हो सकते हैं, एक तो जो है आवृत्ति सारणी है, दूसरा संचय आवृत्ति सारणी है, जो विचित्र माला अथवा विचित्र माला की सारणी के रूप में इनको
दिखाया जाता है, और इसे जो है वो आवृत्ति सारणी भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक सारणी में केवल दो भाग होते हैं, पहला भाग जो है वो मूल होता है और दूसरा आवृत्ति होता है। अब इन जो ये सारणी है इसके क्या लाभ है, क्या इसके मतलब है, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं? तो सारणी का एक लाभ मतलब उपयोगिता ये है कि ये तथ्यों को व्यवस्थित क्रम होता है। सारणीकरण द्वारा जो है तथ्यों को शीर्षकों और उपशीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके कारण उन्हें जो है वो पंक्तिपूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाता है और उन्हें जो है वो दोहराया नहीं ला नहीं पड़ता है। परिणाम स्वरूप सामग्री को ढूंढने में जो है सुविधा रहती है और देखने में भी अच्छा लगता है। दूसरा जो है सारणी का लाभ मतलब और उपयोगिता जो है वो सरलता है कि अनुसंधान में प्राप्त तथ्य जो है अनेक सांख्यिकीय क्रियाओं से गुजरते हैं, जैसे माध्य विचलन, सहसंबंध आदि। इन सब के द्वारा जो है वो आवश्यक सूचना जो है आसानी से समझी जा सकती है। साथ ही जो है वो सारणी के कारण जो है वो अंकों की गणना आदि सरलता से हो जाती है और शुद्धियों का पता भी जो है वो शीघ्रता से चल जाता है। फिर समय, स्थान और श्रम की भी बचत होती है कि सारणी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आंकड़ों के विशाल समूह को जो है कम से कम स्थान में जो है वो व्यवस्थित करके व्यक्ति अपने श्रम की भी जो है वो बचत कर सकता है। साथ ही पढ़ने वाले एक ही निगाह से जो है अधिक से अधिक सूचनाओं की जो है इसमें जानकारी मिल जाती है और बहुत कम समय में जो है वह तत्वों को समझा जा सकता है। फिर सूचना ढूंढने में भी आसानी होती है कि सारणी का एक लाभ ये है कि किसी भी सूचना को ढूंढने के लिए जो है इसमें सरलता होती है तथा बहुत सा समय भी जो है वो बर्बाद नहीं होता है। सारणी को जो है वो प्राय इच्छित सूचना के लिए जो है वो बार बार नहीं देखना पड़ता है। यदि उचित रीति से तैयार किया हो तो केवल सूचना तुरंत जो है वो ढूंढी जा सकती है। फिर विवेचन में भी सहायक है कि सारणीगण विवेचन के कार्य को भी आसान बना देती है। अनेक प्रकार की सांख्यिकी क्रियाएं जो सामग्री की विवेचना के लिए करनी पड़ती है, जैसे माध्य विचलन, सहसंबंध है इत्यादि है, उनमें जो है वो सारणी अत्यंत सहायक होती है। ग्राफ और चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने से के लिए भी जो है वो सारणी का जो है वो मतलब कुछ कम नहीं होता है। फिर सूचनाओं को जो है इसमें स्पष्ट चित्रण होता है कि सारणी में जो है जटिल और व्यवस्थित तथ्यों को जो है एक सरल और स्पष्ट रूप मिल जाता है। सारणी में जो है निश्चित प्रयोजन के आधार पर जो है तथ्यों को शीर्षक और उपशीर्षकों के अंतर्गत जो है तर्कपूर्ण ढंग से जो है योजित किया जाता है। फिर तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडी है कि सारणी के अंतर्गत जो है आंकड़ों को अनेक खानों और पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न पक्षों का जो है इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो जाए। इसके अतिरिक्त सारणी द्वारा जो है वो प्रतिशत, अनुपात, मध्य और औसत आदि के प्रदर्शन के कारण भी जो है वो तो तुलनात्मक अध्ययन करना जो है वो सरल होता है। फिर वस्तुनिष्ठता है कि सारणियों का निर्माण करना जो है एक मनमाना कार्य नहीं होता है, बल्कि इसके निर्माण में जो है वो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। सारणियाँ इसलिए भी वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसके अर्थ में जो है वो सार्वभौमिकता का गुण होता है। एक सारणी को देखने वाले अनुसंधानकर्ता उसको एक जैसा अर्थ लगाते हैं। इसके फलस्वरूप जो है सारणियों के माध्यम में जो है किसी विशेषज्ञता का कहीं अधिक वैज्ञानिक रूप जो है वो प्रस्तुत संभव होता है। फिर स्मरण करने में भी आसानी होती है कि सारणियों में जो है जटिल अंकों को भी जो है उचित शीर्षकों आदि में विभाजित करके उन्हें सुगमता से जो है वो समझाया जा सकता है और इससे उन्हें स्मरण करना भी आसान होता है। साथ ही जो है इसमें सूचनाओं को जो है वो स्पष्ट चित्र होता है कि सारणियन में जो है सूचनाएं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत होती है, इस कारण भी समझने में सुगम होती है। विभिन्न तथ्यों के संबंधों को एक स्पष्ट चित्रण हो जाता है, अतः एक निश्चित और आकर्षक रूप से उनका प्रदर्शन भी जो है इसमें किया जाता है। अब सारणियन के दोष या सीमाएं क्या क्या है, इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या डिमेरिट है? तो सारणियन में जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ इसमें कुछ अपनी सीमाएं भी है कि इसमें केवल हम संख्याएं होती है तथा उनके वर्णन के लिए पर्याप्त स्थान नहीं रहता है। इस प्रकार जो सूचनाएं गुणात्मक ढंग से की जाती है उन्हें सारणी के रूप में जो है वो नहीं रखा जा सकता है। सारणी को समझने के लिए जो है अंकों को समझने के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। साधारण व्यक्ति के पास जो है वो सारणियाँ बड़ी ही अनाकर्षक और उबारने वाली होती है, लोग उन्हें देखकर जो है वो घबरा जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सामान्य व्यक्ति जो है आसानी से जो है उनसे कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाते हैं।
अतः सारणी की उपयोगिता उन्हीं व्यक्तियों के लिए विशेष होती है जिन्हें उन विषयों पर जो है वो विशिष्ट ज्ञान हो। उन्हें समझने के लिए किसी प्रकार के विवरण अथवा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। अतः एवं जो सारणी का उपयोग है वो प्राय जो है वो वर्णात्मक विवेचन के पूर्व के रूप में करना चाहिए। इनका उपयोग जो है वो किसी निष्कर्ष की पुष्टि के लिए नहीं बल्कि अनुसंधानकर्ता के संदर्भ के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद जो है हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन सीमाओं के बावजूद भी जो है सारणी का जो है सांख्यिकी विवेचन और समकों के उचित प्रदर्शन में जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। सांख्यिकी विवेचन का तो जो है वो प्रथम सोपान है, उनके बिना जो है आगे की विवेचना किसी भी प्रकार जो है वो संभव नहीं हो सकती। तो आज जो है हम इतना ही जो है वो डिस्कस करेंगे।